हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। आज मैं TVS अपाचे RR 310 के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 8000 किलोमीटर्स ऑन TVS अपाचे RR 310 विच इज़ BS6 मॉडल, रिवर्स इंक्लाइंड सिंगल सिलेंडर इंजन which produces 34 PS of power in two modes, that is track and sport mode, and 25 PS of power on urban mode and rain mode। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ दिखा देता हूँ, इसके 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। एंड समथिंग अबाउट दैट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग, दैट इज़ इट्स इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स फ्रंट, इट गेट्स बाय LED टेक्नोलॉजी, both LED projector headlamps, TVS logo right over there in between both LED headlamps, ABS, this bike has got dual channel ABS। आगे वाला टायर आपको मिल जाता है Michelin Road 5 with 110/70/17 and rear tire is also Michelin Road 5 and dimensions of tire are 150/70/17। You can check over here Michelin Road 5। तो ये बाइक कॉम्बो है BMW और TVS का कोलैब, तो आपको रेस स्पेक दिखावा दिख जाएगा। एंड दिस अमेजिंग कलर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक, ग्रे एंड रेड चेसी गिव्स एन आउटस्टैंडिंग लुक। यू कैन चेक दिस, क्या लाजवाब मशीन लग रही है। यू गेट ड्यूल चैनल ABS ऑन दिस बाइक। पीछे से बात करें तो लाजवाब टेल लैम्प्स मिल जाते हैं, ग्रैब रेल्स हैं, LED इंडिकेटर्स हैं एंड दिस टायर हगर मैसिव। दो इट इज़ ए रिवर्स इंक्लाइंड इंजन, तो इसमें सबसे छोटा एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको, शॉर्टेस्ट बैंड पाइप एंड दिस इज़ द मफलर। ज़बरदस्त, ऑल्दो थोड़ा सा लुक ख़राब होता है इससे, लेकिन आई लाइक इट पर्सनली। Just look at the animation guys, as soon as I turn on the key it says TVS Racing right over there, racing since 1982, and this one is sport mode। You get toggle buttons over here, menu up, down and back, so as soon as you press upper arrow key mode changes instantly। This is track, अर्बन एंड रेन मोड। तो बात करते हैं रेन मोड की। रेन मोड में ABS वुड बी मोस्ट इफेक्टिव, स्लाइटली लेसर इफेक्टिव इन अर्बन मोड, इवन लेसर इफेक्टिव इन स्पोर्ट मोड एंड लीस्ट इफेक्टिव इन ट्रैक मोड। लाइकवाइज थ्रोटल रिस्पॉन्स भी ट्रैक मोड में सबसे बेस्ट मिलता है एंड सबसे लीस्ट आपको मिलेगा रेन मोड में। इसके अलावा इसके अंदर दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दी गई है, सो लेट मी शो यू गाइज। दीज आर राइडिंग मोड्स, अर्बन, रेन, स्पोर्ट एंड ट्रैक मोड। ट्रिप डिटेल्स, यू गेट 3 ट्रिप डिटेल्स वेयर यू विल बी गेटिंग टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टाइम ट्रेवल्ड, जो बाइक ऑन रहती है उसका टाइम है, टॉप स्पीड ऑफ दिस ट्रिप and average speed during this trip, fuel consumed during this trip and average mileage during this trip। तीनों में ऐसा ही है, डे ट्रिप मीटर, दिन में एक पर्टिकुलर डेट में कितनी चली है वो पूरी डेटा रहता है इसमें। कमिंग टू माई व्हीकल, इसमें सर्विस रिकॉर्ड्स रहते हैं। सो नेक्स्ट सर्विस डेट इज़ 15/6/2024। लास्ट सर्विस के बाद में 2500 किलोमीटर चल चुकी है, 35 दिन हुए लास्ट सर्विस कराने के बाद। एंड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड में आपको माइलेज मिल जाता है, एवरेज माइलेज दैट इज़ 33 kmpl। स्पीड मिल जाती है, एवरेज स्पीड 55 kmph है, 0 to 60 1.9 सेकेंड्स एंड टॉप स्पीड आज तक मैंने इसे चलाई है 163 kmph पे। एंड देन लैप्स, जो मैंने कभी किए नहीं है। कमिंग टू डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, इसमें DL मिल जाएगा, इंश्योरेंस है एंड सिंस आई हैव नॉट अपलोडेड RC ऑफ दिस बाइक, तो अभी इसमें बिल है। प्रेफरेंसेस में जाते हैं तो कनेक्टिविटी, इट गेट्स कनेक्टिविटी जो आपको इधर ऊपर में दिख रहा होगा दिस साइन, ये मेरे मोबाइल की बैटरी है, सिग्नल एंड ब्लूटूथ कनेक्टेड। यहाँ पे टाइम बता देता है, पेयर डिवाइसेस इट शोज वन, डिस्प्ले कॉल्स ऑन कर रखा है मैंने, एज यू कैन सी दिख रहा है ना, फोकस हो जा, यस डिस्प्ले कॉल्स। एंड देन डिस्प्ले सेटअप, ब्राइटनेस ऑटो मैनुअल, अगर ऑटो में रखते हैं तो ये डार्क जैसा ही होगा, एज सुन एज डार्क इज़ देयर इन एटमोसफियर, इसके अंदर डिस्प्ले में भी डार्क मोड आ जाएगा। क्लॉक ऑटो है, फ़ोन से कनेक्ट होते ही ऑटो सेट हो जाता है, अगर कुछ बाय चांस मिस्टेक हो तो, वैसे जनरली मिस्टेक होती नहीं है। लाइकवाइज डेट, डे एंड नाइट मोड्स अभी ऑटो सेट कर रखा है, मैनुअली अगर सेट करता हूँ मैं तो डे मोड में ऐसा डिस्प्ले रहता है, नाइट मोड में ये डार्क हो जाता है पूरा डिस्प्ले। दिस इज़ द व्यू इन नाइट मोड। तो अभी इसको वापस से मैं ऑटो में सेट कर देता हूँ। एंड देन कस्टम विजेट्स, जो आपको होम स्क्रीन पे चाहिए रहते हैं वो कस्टम विजेट्स आपको क्या क्या चाहिए, तो मैंने ये सेट कर रखे हैं, कूलेंट टेम्परेचर, एवरेज माइलेज, ओडोमीटर एंड रेंज, फ्यूल रेंज। स्पीड अलर्ट मैंने 120 kmph पे सेट करी हुई है, आपको अगर ज़्यादा पे करनी हो तो आप ज़्यादा पे कर सकते हैं, कम पे करनी हो तो कम पे कर सकते हैं। आफ्टर 120 kmph इट शोज ए वार्निंग साइन ओवर हियर, स्पीड अलर्ट। दैट्स ऑल अबाउट दिस एंड यू कैन चेक ऑल दीज मोड्स। यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर, एवरेज माइलेज, ओडोमीटर दैट इज़ 7,988 किलोमीटर आज तक चल चुकी है, फ्यूल रेंज बाइक चलेगी तब आपको देखने को मिलेगी। दिस इज़ रेन मोड, स्पोर्ट मोड एंड ट्रैक मोड। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग यू गेट इन दिस बाइक इज़ दिस हैजार्ड स्विच। ये आप जैसे ही ऑन करते हो तो ऑल फोर इंडिकेटर्स स्टार्ट वर्किंग। लेट मी शो यू। सो गाइस, इसकी पोजीशन इतनी भी ख़राब नहीं है, यू कैन इवन रेस ट्रैक पे इसको यूज़ कर सकते हो, इवन ऑफ रोडिंग, यू कैन इवन टूर ऑन इट, मतलब ऑल राउंडर टाइप की ये बाइक है। And longest trip that I have ever done on this bike is 1200 kilometers. तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं इस बाइक के अंदर कि ये कुछ कर ना सकती हो। And it uses the same engine that is in BMW G 310 R, BMW G S 310 and एक और 310 cc की बाइक आती है ना। Actually इसका इंजन 312.2 cc का इंजन है। एंड अर्बन में और रेन मोड में इसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो 25 न्यूटन मीटर टॉर्क है, और स्पोर्ट और ट्रैक मोड के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो 27.3 न्यूटन मीटर है। दैट इज़ वेरी सफिशिएंट। सिंगल सिलेंडर इंजन होने की वजह से थोड़ी बहुत पावर फिगर्स में आपको कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू R3 एंड निंजा 300। बाकी तो भाई साहब इस बाइक का कोई जवाब नहीं है, इतना मतलब व्हाट यू नॉट गेट इन दिस इंस्ट्रूमेंटल कंसोल। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट इट गेट्स इंटीग्रेटेड किल स्विच, स्विच ऑफ, इट सेज किल स्विच ओवर हियर, एंड सिंगल टच स्टार्ट। सेम इज देयर इन पासिंग लाइट्स एंड हाई बीम, लो बीम एंड पास लाइट्स, ऑल थ्री आर इंटीग्रेटेड इन सिंगल स्विच दैट इज ओवर हियर। यू कैन सी राइट नाउ इट इज इन लो बीम, पास एंड हाई बीम। तो अभी इसके अंदर में यहाँ पे भी कोई सेंसर लगा हुआ है, स्क्रीन में कहीं ना कहीं तो सेंसर है, जैसे ही अंधेरा होगा ये ऑटोमेटिक डार्क मोड में तब्दील हो जाएगा। So enough of riding in urban mode. I prefer sport mode. Urban mode मतलब कहीं आसपास में जाना हो, सिटी में हो उस टाइम पे. एंड ट्रैक मोड मैं बहुत ही लीस्ट प्रीफर करता हूँ बिकॉज उसमें ABS लीस्ट इफेक्टिव है और इतना कुछ खास मेरे को पावर आउटपुट चाहिए भी नहीं, इतना कुछ खास मेरे को थ्रोटल रेस्पॉन्स नहीं चाहिए रहता है. इस स्पोर्ट मोड में जो थ्रोटल रेस्पॉन्स है इट इज़ एनफ फॉर मी. प्रोज तो मैंने आपको इस बाइक के सारे बता दिए. देयर आर ए फ्यू कॉन्स एज वेल. दो इट गेट्स ड्यूल चैनल ABS बट लैक्स इन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम. एंड इसकी सीट्स जो है वो काफ़ी हार्ड है, थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए थी. एंड थर्ड वन इज़ रियर सीट हाइट बहुत ज़्यादा है, पिलियन को बैठने में उतरने में बहुत तकलीफ़ होती है. सो मतलब दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जो कोई भी मेरे साथ बैठा है वो लोग यही बोलते हैं कि पीछे बैठने में बहुत तकलीफ होती है. एंड दे डोंट इवन प्रेफर टू राइड अलोंग विद मी एज ए पिलियन राइडर. बाकी पावर वाइज लुक्स अमेजिंग, अल्टीमेट परफॉर्मेंस. अभी यू कैन सी ओवर ईयर 33 kmpl का माइलेज दे रही है. 313 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है. एक्चुअली होता क्या है इसमें, जैसे ही आप टैंक फुल करोगे तो 316 किलोमीटर्स ये रेंज दिखाता है, उससे ज़्यादा ये कभी नहीं दिखाएगा. बट एज सून एज यू टर्न ऑफ, अगर माइलेज अच्छा दे रही है तो ये आप इग्निशन ऑफ करते हो तो जैसे ही वापस ऑन करोगे इधर वापस 316 आ जाएगा. डिपेंड्स आपने कितनी चलाई है, किस तरीके से चलाई है. टॉकिंग अबाउट प्राइसिंग ऑफ दिस बाइक, तो मैंने ये बाइक 15 अक्टूबर 2023 को ली थी. उस टाइम पे ये बाइक मुझे ऑन रोड 3.33 लैक्स की पड़ी थी इन राजस्थान. तो अभी क्या रेट्स चल रही हैं आई डोंट नो. सर्विस कॉस्ट इसके अंदर 3 सर्विसेज, अच्छा ये 3 सर्विसेज आपको फ्री मिलती है जिसके अंदर आपका तीनों सर्विसेज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2300-2400 रुपये के लगभग खर्चा आएगा, जिसमें 1700 के लगभग आपका इंजन ऑयल, फिर चैन ल्यूब, क्लीनिंग, ये सब. फर्स्ट सर्विस के बाद में आपके स्पोर्ट एंड ट्रैक मोड अनलॉक होते हैं. तब तक के लिए आप केवल रेन और अर्बन मोड में बाइक को चला सकते हैं. फर्स्ट 500 किलोमीटर्स तक ट्रैक और स्पोर्ट मोड लॉक रहेंगे. तो गाइस आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो लाइक करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, जो अच्छा ना लगा हो वो भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. It goes 0 to 100 in approximately 6.5 seconds and 0 to 60 in 2 seconds, which I have done in 1.9 seconds. You can see speed alert over here. As soon as it exceeded 120 km/h.